फाल्गुनी के हाथ में थमा दी गई हैं एक बंदूक और उत्तरा देवी ने दे दिया है अपने ही हीरो यानी कि सुयश का कत्ल करने का आदेश। मार डालो तुम्हारी हीरोशिप को, मार डालो बेटा, भगवान के लिए उन्हें मार डालो, अपनी मां को बचा लो, मैं नहीं मरना चाहती बेटा। बच्ची बनी फाल्गुनी इस खिलौने को देखकर बहुत डर गई है, मगर उत्तरा देवी ने उसके दिमाग में उससे भी बड़ा डर डाल दिया है। उसके सामने सुयश को हीरो से विलन बना दिया है, ये कह के कि सुयश उत्तरा देवी को मारना चाहता है। हाथ की उंगली पर नकली खून बहाकर उत्तरा देवी ने फाल्गुनी को खूब डरा दिया है। तो फिर मैं शॉक में हूँ कि ये क्या बोल दिया माने, लेकिन मैं वो मेरा इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि हाँ कि मैं रेडी हो जाती हूँ सुयश को मारने के लिए। सो उन्होंने मुझे गन दी है जिससे मैं सुयश को मार दूंगी। उत्तरा देवी ने ये ड्रामा सुयश और फाल्गुनी की शादी की सालगिरह के दिन ही किया है, क्योंकि सुयश फाल्गुनी को अंगूठी पहनाना चाहता था, मगर उत्तरा देवी ने कुछ ऐसी चाल चली कि कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। फाल्गुनी अब अपनी माँ के प्यार में सुयश को नुकसान पहुँचा सकती है। हालांकि ये सारी बातें नियति ने सुन ली है, वो जरूर कुछ करेगी और फाल्गुनी के हाथों ये अनर्थ होने से रोकेगी।